अंश है इतने एंटरटेनमेंट, वो मॉल के लिए निकल गए अभी हम लोग। और मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया था, जो कि मैं व्लॉग स्टार्ट करने के पहले बोलना चाह रहा था कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, तो मैं नहीं धीरे बोलना स्टार्ट करूंगा, आपको जल्दी सुनना स्टार्ट करना पड़ेगा। कमी मुझ में नहीं, आप में, आप समझना सीखो। ये बिल्डिंग जो है ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे ऐसा मिडिल फिंगर टाइप दिखा रही हो, और या तो फिर रॉकेट लॉन्च होने वाला क्यों लग रहा है वो एक्चुअली में। सेंटर जो कि मॉल है, इसमें अंदर बहुत सारी चीजें तो है, लेकिन अंदर जाना कहाँ है वो समझ रहे हैं। अभी भी घूमे जा रहे हैं इस बिल्डिंग के आसपास, धीरे धीरे से ढूंढे जा रहे थे कार से एंट्रेंस, शायद कार से होगी अंदर जैसे अपने मॉलों में होती है, और यहाँ से ये पैदल जाना है अंदर सीधा। भाई दबा आइसक्रीम ले लिए, वेनिला बेल्जियन चॉकलेट, ये कोई तो भी नाम है वहाँ से। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे साइकिल स्टैंड है, जैसे ये भाई अपना लगा रहा है अच्छे कितने की उठे भाई। ऊपर से देखो इन्हें कुछ पेंटिंग कर रखी है शक्ल पे, अगर शक्ल एक बार दिखा दे तो कहाँ गई बच्ची, घूम गई ये नहीं यार, शक्ल दिखा दे बहन, ये दिखी दिखी पेंटिंग दिखी मैंने। हाँ तो भाई आ गए हम लोग मॉल के अंदर, ये सारे ब्रांड्स तो खैर जानते हैं अपने, और ये अपेरेंटली एक एंटरटेनमेंट सेंटर भी है। सो वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि यहाँ एंटरटेनमेंट वाली क्या चीज़ है भाई। ऐसे तो हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्कॉश मिल रहा है, इसलिए एंटरटेनमेंट सेंटर है। कोई सेंस है इस बात की? ओहो भाई ये देख, और ये मैं कोई भी ना खूबसूरत जगह देखते ही डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पक्का बोलने वाली है लड़की। मैडी मेरी एक फोटो लेना, ये जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ फोटो ड्यूटी पे। फाइनली समझ में आ गया कि क्यों ये एंटरटेनमेंट सेंटर ही बोला जाता है, सारे के सारे एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। ये है पूरा का पूरा फेम सिटी, पूरा मैप, तो दिस इज़ लाइक एड लैब्स बोल दो या फिर यूनिवर्सल्स बोल दो, बट इन मॉल। तो ज़्यादा बोल तो नहीं है, मैं यूनिवर्सल से कंपेयर कर रहा हूँ इसको। व्हाट इज़ इट, बबल वॉफल टी भाई, या तो हम बबल जानते हैं या तो टी जानते हैं या तो वॉफल जानते हैं, बबल वॉफल टी क्या है? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉन्टेड हाउस में, आए आए, और सिर्फ ये कंपेयर करने जा रहे हैं हम लोग कि क्या इंडिया में जो हॉन्टेड हाउस होते हैं उससे डरावना है ये। भाई लग रहा तो डर है, दो ही लोग हैं हम लोग और कोई नहीं आ रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कहाँ बैठना है, तू पीछे बैठ। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं डरा हुआ हूं, नहीं तो फिर मेरे को आगे बैठना पड़ेगा। ये आगे यहाँ से आएगी ना, ठीक है। अच्छा दो लोग बैठ सकते हैं साथ में, ओ टू गुड, इधर रहेगा साथ में भाई। अभी होके आगे हम लोग, एकदम ही टाइम वेस्ट, बिल्कुल ही बच्चों वाली थी। इसने बोला भी मेरे को कि बच्चों वाली है, बट मैं माना नहीं। ओके बिल्कुल बच्चों वाली थी भाई, हमारे यहाँ तो एक मेरे को एक्चुअली देखो सबसे डरावनी वाली कौन सी हॉन्टेड हाउस लगा आज तक का, थाईलैंड वाला नहीं है भाई, इंडिया में बोल रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली सबसे डरावना लगा था, अभी आई एम नॉट श्योर कि वो अभी होगा कि नहीं होगा, बट एक हॉन्टेड हाउस था इंदौर में, करेक्ट, इंदौर का ट्रेजर आइलैंड का जो था, अब पता नहीं मेरे को अभी तक है कि नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा ही डरावना था। और या तो मेरी एज छोटी थी, ये मोनो रेल नाम की चीज़ में ले आई है ये मेरे को, फटी पड़ी है, तो उस साइड होके बैठा है ना उस तरफ, मतलब क्यों तो वेट को क्यों बैलेंस कर रही है भाई, बीच में बैठना। अरे वो छोड़, ये देख वो छोड़, ये देख भाई, मत बोल मत बोल मत बोल, ये मत, तू क्या बोल रही, टेढ़ी है तेरे साइड, कुछ मत कुछ मत ध्यान दे। अरे ऊपर तो सही दिख रहा है भाई, नीचे देखने की मेरी हिम्मत है नहीं। अरे मत देख वो सब, मेरे को चक्कर आ रहा है, क्या है जा रहे, कितनी सीटीज है इनकी, एक काम कर इसी साइड झुक कर रहना, गिरेंगे भी तितने ही गिरेंगे। ओ भाई साहब देखो इस पे चल रहे हैं हम, और ये नीचे देख रहे हो क्या है भाई, ये तो यू टर्न ही है, ये अपन रेलिंग पे चल रहे हैं, देखो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये देखो कहाँ जा रहे हैं, पहुँचा दे भाई बस। ओ बैंड भाई ये बहुत रिस्की काम करके हैं, अपन को नहीं करना चाहिए पता है, यहाँ ये हेल्प बोलेंगे, हेल्प भी वर्ड समझ में नहीं आएगा इनको, एटलीस्ट हेल्प भी ट्रांसलेट करके सीख लेते, रशियन में बोलते क्या आ गया स्टेशन भाई, ये क्या यहाँ चलते ना यार, ये पानी में और सतह में थोड़ा लग रहा है गिरेंगे नहीं कहीं पे। इसमें जाने वाले अभी हम अंदर, क्योंकि हमें देखना एटलीस्ट है क्या, ये कोई रीजन नहीं है करने का। आ गए हैं अंदर, और ये जो है, हैं रियल है ये, अच्छा ये रियल है भाई, ये भी रियल है, ये तो रियल कैसे होगा, अच्छा अंडे भी हैं, उड़ने वाला डायनासोर ये थोड़ा है, अरे देख ये है उड़ने वाला, ये क्या है उड़ने की कोशिश कर रहा है, बैठने वाला है ये बैठने वाला है खाली, और ये भीग भीग तो नहीं जाएंगे यहाँ पे, ये पानी कैसे फिर यहाँ पे, इतना बड़ा डायनासोर निकलता है, पर ये तो रियल साइज होगा, साइज यही होता होगा ना जब बच्चे फूटते होंगे भाई, ये कितना प्यारा है, ये कौन है भाई, इसका मुंह तो डायनासोर लग ही नहीं रहा, ये पता कैसे लग रहा है, मुझे तो वो मारियो में खेलते ना लास्ट में आता है वो तो लंबा, अरे वो ही तो है ये पागल, ये देखना ये उसी के जैसे, क्या इसी का बच्चा दिखाया शायद,
यहीं से वापस है। तो हम लोग ये ट्रेन से नहीं जाएंगे, दिस ट्रेन। ये पहन के ये भेज रहे हैं, इसका मतलब गीले तो पक्का होंगे। और ये अच्छा है भाई, कपड़े गीले नहीं होंगे एटलीस्ट। या सेकंड वन ओके। तो अरे इन्होंने भेज दिया भाई उसको, मेरे को छोड़ दिया यहीं पे। इसका मतलब कुछ तो भी गीले पक्का ही गंदे वाले होंगे। भाई भिगा मत देना बैग को, वरना क्या है कि पूरा ना। ओ भाई साहब, वो देख रहे हो कैसे नहीं भिगोगे आप यार, ये तो मेरे को लग रहा था। ओ भाई क्या है ये, ये क्या। नहीं 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 मैं नहीं भीगे भाई, ऐसे पहनाया तो ऐसे पहनने जैसे पता नहीं क्या ही होगा। दूसरा भी आ जाएगा। ओ भाई साहब, अगर मैं सही सोच रहा हूँ ना तो लो लग गए, लग गए भाई लग गए। बैग संभालो, बैग पहले संभालेंगे। ओ भाई साहब, ये तो बहुत गलत हो रहा है यार मेरे साथ। यार इनने कुछ बेल्ट वेल्ट कुछ बांध ही नहीं है मेरे को, मैं गिर गिरा जाऊँ तो ऐसी। ओ भाई यार, ये तो बहुत ही गलत सिस्टम है। एक तो क्या लैंग्वेज भी समझते नहीं है, तो पहले मोबाइल ही गिरेगा मुझे लगता है भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। Meanwhile. तो दोस्तों आज हम लोग सारी बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं। वो वाओ, ऑल ऑफ द किड्स थिंग्स, सारी बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं हम लोग। गया सब, गया भाई सब गया, सब गया। ये देखिए हंस रही है तू, और बार करना है। अरे तेरे को एक और बार करना है, मतलब तेरे को तू बता नहीं सकती थी गीला हो जाएगा मेडी। तो पूरा ही गीला हो गया यार पैंट, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। बहुत दिनों बाद स्क्वॉश पीने के लिए मिला है मुझे। मेडी कैसा लग रहा है खाना खाकर? इंडियन खाने का क्या हुआ? इंडियन रेस्टोरेंट जाना है मेरे को यार, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में एक बार इंडियन रेस्टोरेंट इज लाइक अ टूरिस्ट स्पॉट फॉर अस। जाना ही है माथा टेकने के लिए। अपना एरिया, ये है वो मॉल, खान मॉल, यहाँ अपन ने खाई थी आइसक्रीम। और ये है, सीधा देखेंगे तो बेटर है टार है, अगर दिख रहा होगा। हाँ ये दिख रहा है। और यहाँ पे एक अंडरग्राउंड ब्रिज है जिसके थ्रू आप वहाँ जा सकते हो उधर सीधा। तो अभी हम वही करने वाले, आ जाओ। देखो भाई अंकल कुछ तो बजा रहे हैं, बहुत अच्छा था। इंडिया इंडिया वेरी नाइस वेरी नाइस। या इंडिया नाइस नाइस, समझ में आ गया भाई। हम तो थैंक यू बोल रहे थे, इंडिया से आए, ये इंडिया ने गाने बजा दिए हमने, क्या बात। उनको तो हम बोल रहे थे कि आपने बजाया बहुत अच्छा, हम इंडिया से। उनको लगा कि हम बोल रहे हैं कि इंडियन सॉन्ग सुना कोई, वो बेचारे बजाने लग गए इंडियन सॉन्ग जो हमें समझ में नहीं आया कौन सा था। शायद अपन ने तो इनका चुराया होगा, तो अपन को इंडिया सॉन्ग ही समझ में नहीं आया। बहुत बच्चे तो बहुत क्यूट हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल। ये देखो अभी हम जा रहे हैं सीधा अंडर ब्रिज क्रॉस करके वोरा मॉल। मैरियट मार्टी, ये देखो। तो मैरियट में क्या करना, मैरियट तो ऐसे बोल रहे जैसे चाचा का है मेरे मैरियट। यार जब हम मॉल में खड़े थे तो लग रहा था कि ये बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन यहाँ से आने के बाद तो मॉल बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से, है ना। नहीं बड़े इसके पास आर्किटेक्चर के बहुत ह्यूज है। ये देखो भाई रियल फॉक्स, इसने कैसे प्लानिंग कर रखी भाई, कब जाना कब ये सब। मैडी इज गॉबलिंग अप द बबल गम फ्लेवर्ड आइसक्रीम। और रशियन क्या बोलते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल ही वैसा फील हो रहा है।